हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज है दिन सितंबर 1, 2021, और आज वेडनेसडे है। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे देखिए आलू चना यहाँ पे बनाए थे और उधर साइड पे पूड़ी हम लोग तले थे। अभी सुबह का टाइम हो रहा था, काफ़ी जल्दी जल्दी मम्मी भी कर रही थी, भाभी भी थोड़ा सा हेल्प कर रहे थे और हम बेल रहे थे पूड़ियाँ। तो इसी वजह से ना वीडियो भी नहीं बन पाया और इधर उधर हो रहे थे तो इसी वजह से वीडियो भी नहीं बना पाए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मसाला वगैरह खड़ा मसाला वो पॉलिथीन में रखा हुआ था तो वही दिखा रही थी। और देखिए चना की सब्ज़ी किस तरह से बना है, बहुत टेस्टी लग रहा था। और अभी यहाँ पे ना चिकन के लिए मसाला पीसना था तो इसी वजह से मम्मी यहाँ पे खड़ा वाला जो मसाला है वही यहाँ पे डाल रही हैं। सुबह चना और आलू की यहाँ पे जो ग्रेवी वाली सब्जी बनी है तो उसको बनाने के लिए ग्राइंड की थी यहाँ पे मसाला, तो वही है और उसी पे ही फिर से ग्राइंड करना है तो मम्मी उसी पे ही डाल के फिर हम लोग ग्राइंड करेंगे। तो इसी वजह से मम्मी उस पे डाली हैं। और अभी यहाँ पे देखिए दाल मम्मी बॉईल करने के लिए रख दी हैं और यहाँ पर देखिए पूड़ियाँ कितना पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट बना है, बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा खाने में भी पूरा बहुत टेस्टी लग रहा था। और ये जो दिख रहा है ना, ये आलू चना ये घर का नहीं है, जो दुकान से आता है पकौड़ी के साथ, यहाँ पे पापा लेके आए थे और हम लोग अलग से बनाए थे। लेकिन ये मैं लेके जा रही थी बहुत पूरा, थोड़ा सा भी सही नहीं लग रहा था, जैसे कि होता है ना दुकान का बहुत अच्छा लगता है वैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और अभी यहाँ पर देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और आज मुझे ना बाहर जाना है, थोड़ा बहुत कुछ सामान मुझे लेना है तो इसी वजह से मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी और मम्मी पास में थी देख रही थी तो इसी वजह से मैं हंस रही थी यहाँ पे। और बस अभी ना पापा थोड़ी देर बाद पापा आएंगे और फिर लेके जाएंगे, पापा के साथ ही हम लोग जाएंगे, मतलब कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ जा रही है। अकेले ना हम रोने लग गए थे कि मुझे नहीं जाना है, लेना भैया को लेके, भैया को साथ लेके जाएंगे, भैया जाएंगे तो जाएंगे नहीं तो नहीं। मम्मी को भी बोले थे, मम्मी भी मना कर दी थी नहीं जाएंगे करके, और फिर मम्मी बोली कि जाओ बुला के लाओ अपनी फ्रेंड को, जाएगी कि क्या ऐसे करके, तो मैं उसको बुला के ले गई थी और वो भी हमारे साथ जा रही है। तो बस अभी यहाँ पे पापा आ गए हैं और हम लोग बाइक पे ही जाएंगे। और बस अभी बैठ लूँगी मैं और फिर रास्ते में देखिए, यहाँ पे रास्ते में जा रही थी, धूप काफ़ी तेज़ लग रहा था पूरा फेस पे, तो दुपट्टा डाल रही थी लेकिन हवा के वजह से ना पूरा दुपट्टा भी उड़ रहा था और पूरा आँख देखिए पूरा छोटा छोटा हो जा रहा था हवा की वजह से यहाँ पे। और सामने जितने भी लोग जा रहे थे ना, मतलब वीडियोस बना रहे थे तो देख रहे थे सभी देखिए उधर साइड। तो बस अभी यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही हम लोग जा रहे हैं और पापा हम लोग के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पर बस हम लोग चले जाएंगे अभी। अभी यहाँ पे सामने देखिए बहुत ज़्यादा पानी दिख रहा है ना आपको, तो वो पानी ना डैम का है, जो हम लोग के गांव के पास बहुत बड़ा डैम है, बहुत ही बड़ा डैम, और उसी में से ही बारिश में बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मछलियाँ मिलती हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा डैम है। अभी तो थोड़ा बहुत दिख रहा है लेकिन किसी दिन जाऊँगी ना तो पूरा डैम दिखाऊँगी आपको, बहुत ही बड़ा है पूरा, बहुत ज़्यादा। और हर किसी के गांव पे पानी वगैरह जाता है तो धान के लिए यहाँ पे, जैसे कि समर सीज़न में भी ना धान वगैरह करते हैं तो इनके लिए हो जाता है पूरा, काफ़ी पूरा वो हो जाता है, इजी हो जाता है, जैसे पानी खेत पे रह जाता है ना तो इसी वजह से पूरा इजी हो जाता है इन सभी को। और मैं किसी दिन जाऊँगी तो ज़रूर आप सभी को घुमाऊँगी, बहुत अच्छा है डैम, बहुत अच्छा है। और अभी यहाँ पर देखिए मेरी जो फ्रेंड है ना, वो ना बार बार मुझे बोल रही थी कि मुझे मत दिखाना, मुझे मत दिखाना, इसी वजह से
उसको हम उस पे उसके पे स्टिकर डाल दिए हैं। और हम लोग ना खाना वगैरह सब खा के ही निकले हैं, नहीं तो फिर भूख लगने लग जाता है। करीब 3 या 4 बज गया था हम लोग जब वापस आए थे, तो इसी वजह से खाना हम लोग खा के आ गए थे। और अब यहाँ पर देखिए, मैं ना शॉप पे थी, तो इसी वजह से मेरी जो फ्रेंड है उसको बोल रही थी कि थोड़ा सा वीडियो बना लो ऐसे करके, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ। जो भी लूँगी ना, जो भी सामान लूँगी तो आप सभी को दिखाऊँगी बाद में। तो अभी यहाँ से मैं कुछ सामान जो भी चाहिए होगा, मैं यहाँ पे जैसे प्लाजो वगैरह, स्कर्ट वगैरह हो गया, वही सब दिखाने के लिए बोल रही थी। तो वो एक एक करके लेके आए हैं और दिखा रहे हैं। और काफ़ी सारा सामान, मतलब कपड़ा वगैरह साइड साइड में रखा हुआ है। बहुत ही, मतलब जो भी दुकान में काम करते हैं सब थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं, जैसे कि कपड़ा वगैरह कोई भी आता है, ये नहीं दूसरा वाला दिखाइए, ऐसे ऐसे करके तो पूरा रखा हुआ था। और अभी मैं यहाँ पे ना उधर जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ सामान था तो उसको भूल गई थी, लेकिन मैं अपनी जो फ्रेंड है उसको बैठा दी थी यहाँ पे, और फिर उसको बोल रही थी कि इधर ही रुको, मैं अभी जस्ट जाके आ जाऊँगी। तो फिर जो सामान चाहिए था मुझे वो मैं लेने गई थी, लेकिन वो मिला नहीं था, तो इसी वजह से मैं फिर रिटर्न आ गई थी। और अभी काफ़ी हम लोग को भूख लग रहा था, तो अभी यहाँ पर देखिए ज़्यादा कुछ तो लगा नहीं था बाहर, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर में ना दुकान वगैरह यहाँ पे बंद हो जाते हैं। जैसे कि 2 बजने वाला होता है तो यहाँ पे पूरा दुकान वगैरह सब बंद कर देते हैं और 5 बजे खुलते हैं। तो इसी वजह से ना मैं अपनी फ्रेंड जो थी तो उसको हम बोले कि भूख ज़्यादा लग रहा है, चलो खाएंगे करके। हम लोग जो ये गोलगप्पा है ना, तो हम लोग गुपचुप बोलते हैं इसको अपने लैंग्वेज में। तो यही बस यहाँ पे लगा हुआ था ठेला, और इधर उधर कहीं भी देख रहे थे कहीं पे भी नहीं लगा था। तो हम लोग ढूंढ ढूंढ के अभी यहाँ पास में थोड़ा सा कोना टाइप था, तो उधर ही यहाँ पे ये भैया थे, तो बस इसीलिए हम लोग यहाँ पे खाने के लिए आ गए हैं। और पहले ना मैं यहाँ पे खाऊंगी थोड़ा सा, उसको बोली थी क्योंकि हम लोग दोनों थे ना, तो उसको बोली थी कि तुम पहले खा लो और फिर बाद में मैं खाऊंगी करके, साथ में खाते तो सही रहता, लेकिन पापा भी नहीं थे हम लोग के साथ, तो इसी वजह से मैं उसको बोली थी कि थोड़ा सा क्लिप बना दो करके, और अच्छा भी नहीं लगता है ना साथ में नहीं खाते हैं तो। और फिर बाद में वही खा ली थी, और बस अभी यहाँ पे हम लोग खा के फिर निकल जाएंगे। तो सारा जितना भी शॉपिंग था वो करके यहाँ पे काफ़ी देर से हम लोग बैठे हुए हैं, पापा का वेट कर रहे हैं यहाँ पे बहुत टाइम से। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, पापा नहीं आए हैं अभी, काफ़ी देर हो गया हम लोग वेट कर रहे हैं। बहुत टाइम से उधर गोलगप्पे भी खा के आए हैं अभी हम लोग, दोनों गए थे दोनों, और गोलगप्पे भी खा के आए हैं। काफ़ी देर हो गया है हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, पापा उधर साइड गए हुए हैं, काफ़ी देर हो गया है लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। हम दोनों बैठे हुए हैं, कोई भी जा रहा है ना यहाँ से, कोई भी जा रहा है तो पूछ रहा है किसका वेट कर रहे हो उधर, तो हम बोले कि पापा का वेट कर रहे हैं। कोई भी आ रहा है तो पूछ रहा है, देख रहे सब यहाँ हम दोनों बैठे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है करीब, और यहाँ पे मैं ना घर आ गई थी वापस, और फिर आप सभी से मिल रही हूँ। और यहाँ पे जितना भी सामान ली थी वही मैं यहाँ पे दिखा रही थी। यहाँ जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देखिए इसका पूरा ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और लॉन्ग भी है ये अंदर अस्तर रहा हुआ है। और ये मुझे 300 का मिला था, कपड़े के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्राइस के हिसाब से 300 में वैसे भी बहुत। ऑनलाइन भी एक मैंने परचेस किया है स्कर्ट, लेकिन वो इससे थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन देखिए ये वाला बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा है, यही एक भी है ना। और ये लेगिंग्स ली हूँ जो कि इसका यहाँ पे देखिए पूरा स्ट्रेचेबल है ये, तो और सेम यही है दोनों। और ये मुझे 250 का पड़ा था, 250 का, और इतना स्ट्रेचेबल कभी भी नहीं मिलता, ऑनलाइन बहुत महंगा मिलता है। दुकान से लेने से इसी यही फायदा है कि जो कुछ भी परचेस करो ना तो
एक तो देख के भी करते हैं हम लोग, और ऊपर से कपड़े या कुछ भी उसका वो बहुत अच्छा होता है। तो बस इतना ही लेना, और थोड़ा सा सामान लेना, देख के आती हूँ मैं फिर। कॉटन है, नेल रिमूविंग करने के लिए, ये स्पिंज का भी क्रीम है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ, यही यूज़ करती हूँ क्योंकि दूसरा अलग कोई यूज़ करती हूँ तो पिंपल्स होने लगता है, और वैसे भी एक फेस वॉश यूज़ की थी तो यहाँ पे पिंपल्स निकल गया है। और उसके बाद एक क्लेंजर लाए हैं, और ये 3 रुपये का पाउच वाला डिबॉन्ड, और ये नेल रिमूवर, ये लेके आई हूँ, उसके साथ ये लेके आई हूँ क्योंकि काफी टाइम से मेरे पास नहीं था ये, तो यही लेके आई हूँ बस, पता नहीं और कुछ भी नहीं लेके आई। और ना पाउच वाला देखिए, मैं कहीं राखी बुटर वाला क्यों नहीं ली हूँ, क्योंकि उतना बजट नहीं है मेरे पास। भैया दिए थे, मम्मी पैसा दी थी, और भाभी दिए थे पैसा, तो ये इतना सारा सामान है तो मैं कहाँ से पाऊँगी पैसा और लेके आऊँगी, कुछ नहीं है। मेरी फ्रेंड भी गई थी मेरे साथ, लेकिन उसके लिए भी मैं कुछ ले नहीं हूँ। कभी भी जाती है तो थोड़ा बहुत कुछ उसके लिए खरीद देती हूँ ऐसे, लेकिन इस बार मेरे पास खुद ही मेरे सामान कम पड़े खरीदने के लिए, और उसके लिए भी कोई सामान नहीं गया है, फैन की वजह से सही से सुनाई नहीं दे रहा है। तो अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं घर, और यहाँ पे देखिए ना नुआखाई की तैयारी हो रही है, इधर बर्तन वगैरह सारा धो रहे हैं। जितना भी सामान होता है ना सारा पूरा धुरा जाता है, पूरा अच्छे से साफ किया जाता है, हर एक चीज़ पूरा अच्छे से साफ करते हैं। इधर देखिए पानी रखा हुआ है, और खटिया वटिया जितना भी सारा सामान है सारा पूरा अच्छे से साफ किया जाता है, तो आधा हुआ है काम और आधा नहीं हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं आज, और फिर और बाकी है बहुत सारा सामान धोना है। तो आज तो ज़्यादा कुछ नहीं था, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक नए और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।